हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? बच्चों, आज की जो ये क्लास है, एक एक बहुत बड़ा टेस्ट है आपके नॉलेज का कि आपने आज तक अकाउंटेंसी में जो भी कुछ पढ़ा है, क्या रियली में वो चीज आपने पढ़ा है जो आपको जानना चाहिए? अगर आप अकाउंट्स को अपना स्ट्रोंग करना चाहते हैं, तो बेस आप स्ट्रोंग चाहते हैं, तो क्या वो रियली में आपने अकाउंट समझा है या फिर आपने रट्टाफिकेशन किया है? आज मैं आपको चेक करूंगा, और इसका एक रीजन भी है इसको चेक करने के पीछे। आज मैं सुबह में एक यूनिवर्सिटी में गया था, उसमें एमबीए फाइनेंस के जो बच्चे थे, बहुत वेल रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, किसी को हमें छोटा बड़ा नहीं दिखाना होता, लेकिन फिर बच्चे वहां पे जो एमबीए फाइनेंस के, वो भी लास्ट सेमेस्टर के जो बच्चे थे ना, जो अब एमबीए क्वालिफाई करने वाले हैं फाइनेंस फील्ड से, जो कि मास्टर बोले जाते हैं, सीएससी में सीएस की इक्विवेलेंट उनको माना जाता है, उनसे मैंने अकाउंट्स की कुछ बेसिक बातें की। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनको वो बेसिक बातें भी नहीं पता। मैंने सोचा कि चलो फिर देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, यानी कि आपकी बात कर रहे हैं, क्या ये वो बच्चे उन कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और इसी प्रोसेस में मेरे बच्चे आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ बेसिक वर्ड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये वर्ड्स वो वर्ड्स है जिन पे मास्टरी अगर हमारी हो जाती है तो अकाउंट्स बहुत सिंपल बन जाता है। आओ ना, इसी प्रोसेस में मेरे बच्चे मैं शुरू करता हूं आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो चीजें जो हमें जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना इसको मास्टर करना आसान नहीं है, अदरवाइज हम फिर रट्टाफिकेशन पे काम करेंगे। और आप मेरी आदत जानते हैं कि मेरे बच्चे मैं कभी भी रट्टाफिकेशन में विश्वास नहीं करता है। तो आओ जरा ये पांच वर्ड जिसको आपने 11th क्लास में आपने स्टडी किया है, उन पांच वर्ड को हम बहुत बेहतर तरीके से पहले दोबारा एक बार समझते हैं कि आखिर इनका एप्लीकेशन अब जो हमारी बड़ी क्लासेज हैं 12th क्लास ऑनवर्ड, उसमें कैसे होने वाला है। एक वर्ड होता है मेरे बच्चे एसेट्स, दूसरा वर्ड आपका है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी दूसरा वर्ड यहां पे आपका कैपिटल लिख देता हूं मैं, कैपिटल। थर्ड वर्ड आपका यहां पे लाइबिलिटी लिखिए मेरे साथ, आप भी लिखो ना अपने रजिस्टर में। जब मैं बोलूंगा कि आपको लिखना है तो आप मेरे साथ लिखेंगे, जब बोलूंगा कि नहीं लिखना है तो फिर नहीं लिखना है ना, हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ दें। तो एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक और वर्ड आपका हुआ करता था जिसका नाम है एक्सपेंस, और पांचवा वर्ड मेरे बच्चे आपका होता था रेवेन्यू। ये पांच ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे हमारा पूरा अकाउंटेंसी टिका हुआ है। तो आज की क्लास में मैं इनका इन डेप्थ आपको मीनिंग बताने वाला हूं। पता बच्चों, अगर कोई बोलता है कि जरा बताओ एसेट्स क्या होता है, एसेट्स, तो देखो आप पहले आप ही बताओ ना एसेट्स का मतलब क्या होता है। सर ये कौन सी बड़ी बात है, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। एसेट्स का मतलब होता है सर मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक, डेटर्स, वो एक नाम प्रीपेड एक्सपेंसेज, ये सारे हमारे सर एसेट्स होते हैं। नाम सुना नहीं सब चीजों का मेरे बच्चे? मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे, मैं आपके एसेट्स के एग्जाम्पल क्या होंगे मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि एसेट्स हम बोलते किसको है, बोलो ना हम किसको बोलते हैं। अच्छा छोड़ो, इतना टफ क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, हो सकता है कि अभी आप नहीं इसके लिए तैयार हो। चलो बताओ एक्सपेंस क्या होता है, ये तो नाम सुना है ना, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बताओ। सर ये कौन सी बड़ी बात है, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, वो रेंट, सैलरी, कमीशन, वेजेज, ये सब हमारे एक्सपेंस होते हैं मेरे बच्चे। एक तो पहले मैंने आपसे इसका हिंदी नाम नहीं पूछा, एक्सपेंस का मीनिंग आपने कह दिया खर्चा, मैंने हिंदी नहीं पूछा, और मैंने इसका एग्जाम्पल भी नहीं पूछा कि आप बताना शुरू कर दिए कि रेंट, सैलरी, कमीशन, वेजेज, आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस होते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि आप इनको एक्सपेंस बोलते क्यों हो, क्यों रेंट को, सैलरी को, कमीशन को आप एक्सपेंस बोलते हो मेरे बच्चे, ये कॉन्सेप्ट होता है। आओ ना एक बार मैं आपको समझाऊं कि एसेट्स और एक्सपेंस में आपका क्या डिफरेंस है, सुनिए मेरी बात ध्यान से और मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। पता है आज के बाद अब आपसे कोई पूछता है ना कि बताओ एसेट्स का मतलब क्या होता है, तो आप उनको बताना कि देखो एक ऐसा वैल्यू, कोई भी ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट, जिसका बेनिफिट आप फ्यूचर में लेंगे। अगर आप किसी भी चीज का बेनिफिट अगर आप फ्यूचर में लेते हो तो हम उसको एसेट्स बोलते हैं। याद करना, याद रखना, मैं आपसे डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं आज मेरे बच्चे इन डेप्थ कॉन्सेप्ट जो हमें चाहिए, हमें पता होना चाहिए ऑनवर्ड स्टडी करने के लिए, उन शब्दों को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो कोई पूछता ना कि जरा बताओ एसेट्स किसको बोलते हैं, बोलना कि कोई भी ऐसा वैल्यू
जिसका बेनिफिट आपको आने वाले फ्यूचर में मिलेगा, वो फ्यूचर आज से एक दिन के बाद हो सकता है, एक महीने के बाद हो सकता है, एक साल के बाद हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, फ्यूचर में जो भी बेनिफिट देगा ना, हम उसको एसेट्स बोलते हैं। और एक्सपेंस का मतलब होता है एक ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं, ऑलरेडी टेक, बस इतना सा तो डिफरेंस है। अगर किसी वैल्यू का बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो हम उसको एक्सपेंस बोलते हैं, और अगर बेनिफिट अभी फ्यूचर में हम लेंगे तो हम उसको एसेट्स बोलते हैं। सर ठीक से समझाओ, आप क्या बोलना चाहते हो? ये नए नए वर्ड से नई नई बातें हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके ही बात को मेरे बच्चे जो आपने पढ़ा हुआ है उसको सिंपल शब्दों में आपके पास रख रहा हूं, और आओ ना इन दोनों को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और एक बात मैं बता दूं आगे बढ़ने के पहले, आपने क्योंकि ऑलरेडी आप कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का जानते हैं कि ये जितनी सारी बातें अकाउंटेंसी में हम स्टडी करते हैं वो सारी बातें मेरे बच्चे एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फर्म जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं जी, अकाउंटिंग कर रहे हैं, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इन पांचों वर्ड का जो मीनिंग है ना वो एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूं। मान लो उस फर्म का नाम है आपका सीओसी, सीओसी क्या है जी, एक फर्म है ना, सीओसी के लिए हम आपको अकाउंटिंग समझा रहे हैं, सीओसी एक फर्म है। और ये पता है कौन है मेरे बच्चे, ये आप हो और इस सीओसी के आप हो यहां पे क्या, अकाउंटेंट। मतलब कि सीओसी की जितनी सारी बातें होंगी, इनके बिजनेस में जितनी सारी बातें होंगी, उन सारी बातों को रिकॉर्ड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है, या मैं ऐसे कह दूं कि आप सीओसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब भी मैं आपका नाम लूंगा यानी कि सीओसी की बात हो रही है, क्योंकि उन्हीं का आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सीओसी फर्म जिसके लिए हम पांचों वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं, आप इस कंपनी के अकाउंटेंट है, आप जो भी जवाब देंगे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देंगे, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये करंट महीना है मेरे बच्चे, मान लो ये करंट महीना आपका जुलाई का है, मान लीजिए कोई भी महीना हो सकता है, मान लो जुलाई का। और यहां पे इस कंपनी के अंदर में एक आपका इंप्लॉई है जिसका नाम है मिस्टर ए, है ना, ये एक इंप्लॉई है मेरे बच्चे जो इस कंपनी में काम करता है, इस फॉर्म में काम करता है। पता है क्या हुआ, ये जो मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए, इसने पूरे जुलाई के महीने में आपके पास काम किया, मतलब फॉर्म में काम किया, पूरे महीने उसने काम किया, और काम करने के बाद एंड में आपके पास आया और कहा कि देखो जी मैंने पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो। इसने कहा कि मैंने पूरे महीने काम कर लिया, मेरी सैलरी पे करो। जरा बताओ आपने क्या पे किया, जरा बताओ आपने, यानी कि सीओसी ने क्या पे किया? सर हमने सैलरी पे किया, यही ना बच्चे, सैलरी पे किया। तो देखो अगर आप कहोगे ना कि सर मैंने सैलरी पे किया, तो मैं बोलूंगा कि गलत जवाब है। क्यों क्यों गलत जवाब है? इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि अगर आप जवाब दोगे ना कि मैंने सैलरी पे किया, तो मैं आपसे पूछूंगा कि कभी आपने देखा है क्या कि सैलरी कौन से कलर का होता है, लाल, पीला, हरा, काला, कभी देखा आपने? मेरे बच्चे आपने सैलरी पे नहीं किया। अगर मिस्टर ए ने आपके पास पूरे महीने काम किया, एंड में आपके पास आया और बोला कि देखो जी मैंने पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो, तो पता आपने सैलरी नहीं पे किया मेरे बच्चे, आपने पता क्या पे किया, कैश पे किया। बोलो ना, गलत बोल रहा हूं क्या? आपने तो कैश ही पे किया होगा ना। मान लो इस आदमी की सैलरी 20,000 है, तो बताओ सीओसी ने यानी कि आपने क्या पे किया, कैश पे किया। कितना पे किया? 20,000। तो ये यहां पे एंड में क्या होगा ना बच्चे, 20,000 क्या होगा जी, फर्म के पास से क्या चला जाएगा बच्चे, कैश चला जाएगा। मत बोलना सैलरी, बोलना कि कैश चला गया, कैश पे किया आपने ना, तो 20,000 क्या हुआ, कैश चला गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, आप जानते हो कि अकाउंट्स काम करता है डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जब भी आपके बिजनेस में कुछ आएगा जाएगा, कुछ भी आएगा जाएगा, तो उसके आने जाने के साथ साथ ना मेरे बच्चे उसके रीजन को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। आपने बच्चों में पढ़ा था डबल एंट्री मतलब डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट मतलब डेबिट क्रेडिट, ऐसा गलत है, ये रट्टाफिकेशन है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि अगर एक तो आपके बिजनेस में कुछ आएगा जाएगा, तो एक तो वो बताओ कि आपके पास क्या आया या क्या गया। मेरे पास से क्या चला गया बच्चे, कैश चला गया। इस पैसे के जाने के पीछे का दूसरा रीजन, दूसरा एस्पेक्ट आपको इसका रीजन बताना होता है कि अगर आपके पास से कैश गया तो क्यों गया। अब मुझे बताओ कि जो 20,000 आपने पे किया है, इस 20,000 के बदले में फर्म ने इस इंप्लॉय का
बेनिफिट ले लिया है या अभी लेना है? बताओ बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिस 20,000 को मेरे बच्चे आपने पे किया, यानी कि फर्म ने पे किया, इस 20,000 कैश के बदले में आपने मिस्टर ए का बेनिफिट यानी कि उसका सर्विसेज ले लिया है कि अभी लेना है? सर ले चुके हैं, ले चुके हैं ना बच्चे, आपने क्या किया, उसे काम करा लिया। तो जो 20,000 आपने पे किया ना, इस 20,000 कैश के जाने के पीछे का जो रीजन होगा ना, रीजन, हम उस रीजन को क्या बोलेंगे कि देखो जी हमारा यहां ना 20,000 क्या हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया। ये 20,000 आपका क्या हो गया बच्चे, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब एक्सपेंस के बहुत सारे नाम होते हैं, सैलरी होता है आपका, वेजेज होता है आपका, कमीशन होता है, रेंट होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, टेलीफोन बिल होता है, बहुत सारे नाम होते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसको हम यहाँ पे सैलरी बोलते हैं। क्योंकि जब हजारों आपके नाम होंगे तो हम क्या उस नाम को पुकारेंगे कि किस नाम से, आखिर वो किस नेचर का एक्सपेंस है, तो हम क्या बोलते हैं, सैलरी आपका हो गया। तो पता है मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई पूछता है ना कि बताओ एक्सपेंस क्या होता है, तो बोलना कि देखो जी अगर हमने किसी वैल्यू का, हमने बेनिफिट ले लिया है, तो हम बेनिफिट लेने को क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। और वही लिखा था मेरे बच्चे, जिस वैल्यू का बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में, कोई बात नहीं, ध्यान सुनिए। फर्म का नाम क्या है जी, सीओसी है ना, फर्म का नाम क्या है, सीओसी। आप कौन है, इस फर्म के अकाउंटेंट हो। करंट महीना कौन सा चल रहा है मेरे बच्चे, मान लो ये जुलाई का महीना चल रहा है। आपके इंप्लॉय का नाम क्या था, मिस्टर ए। सुनो ना ध्यान से, अब अगला केस क्या बता रहा है, मिस्टर ए ने क्या क्या पूरे जुलाई के महीने में, पूरे जुलाई के महीने में आपके पास काम किया, और काम करके एंड में आया, आके बोला कि देखो जी मैंने पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो। आप उनको सैलरी पे करने ही वाले थे मेरे बच्चे, लेकिन मिस्टर ए ने आपसे एक रिक्वेस्ट किया। वो कहता है कि देखो अगला जो महीना है ना वो अगस्त का महीना है, अगस्त का महीना, और मुझे अगस्त में ना बहुत सारे काम है, मेरे बच्चे का फीस पे करना है भाई, अपने बच्चों को घुमाना है, बहुत सारे काम है। एक काम करो ना, जो अगस्त की जो सैलरी है ना वो भी मुझे क्या करो, अभी पे कर दो, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे पे कर दो आज, मैं आगे आपका काम कर दूंगा। मेरे बच्चे आप बहुत अच्छे इंसान थे, आपने क्या किया, बोला कि ठीक है जी आपका परमंथ सैलरी कितना है, 20,000 आपका, 20,000 रुपए। तो आपने क्या किया, मिस्टर ए को 20,000 रुपीज जुलाई का एंड 20,000 रुपीज आपका अगस्त का, टोटल कितना पे कर दिया, 40,000, है ना। आपने रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनिए, आपने क्या किया, मिस्टर ए को 20,000 मेरे बच्चे जुलाई का एंड 20,000 अगस्त का, टोटल आपने यहां पे कितना पे कर दिया, 40,000। तो जरा बताओ कि अगर मैं पूछता हूं कि जुलाई के एंड में फर्म के पास से टोटल कैश कितना गया, टोटल कैश कितना गया, तो कैश कितना गया, 40,000। यहां पे हम क्या करेंगे, 40,000 जो कैश चला गया ना बच्चे, हम उसकी एंट्री करेंगे कि ठीक है जी 40,000 हमारे पास से कैश चला गया, 40,000 हमारे कैश चला गया। लेकिन मुझे बताओ कि 40,000 कैश गया, ठीक है, लेकिन आपका एक्सपेंस कितना हुआ, मुझे बताओ। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मिस्टर ए ने जुलाई के महीने में आपके पास काम किया, अभी अगस्त में आपके पास काम नहीं किया है, उसने कहा कि 20 जुलाई का एंड 20 का अगस्त का मुझे 40,000 पे कर दो, आपने 40,000 पे कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे आप मुझे बताइए कि अगर आज यहां पे इसका डुअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है कि जो 40,000 आपने पे किया उसके पीछे का क्या रीजन है, तो मुझे बताओ कि आउट ऑफ 40,000 कितने रुपए का आप बेनिफिट ले चुके हो। सर बेनिफिट तो हमने 20 का लिया है, तो मेरे बच्चे आप ना यहां पे 20,000 जो है ना, 20,000 आप यहां पे क्या करोगे जी, सैलरी यानी कि आप अपना यहां पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। ये हमारा एक्सपेंस हो गया कितना जी, 20,000 आपका, 40 नहीं 20,000। सुनो ना मैं क्या बता रहा हूं, इसमें से 40 में मेरे बच्चे 20,000 आपका एक्सपेंस हो गया, और जो वैल्यू आज के बाद, जिस वैल्यू का अभी बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, याद रखना जो आपने अगस्त का पेमेंट किया है ना, अभी तक मिस्टर ए ने उसके बदले में आपके पास काम नहीं किया मेरे बच्चे, वो काम करेगा। तो मुझे बताओ जो पेमेंट आपने अगस्त का कर दिया है उसके बदले में यहां पे बेनिफिट ले चुके हो कि अभी लेना है, सर लेना है। और आप जानते हो ना कि जिसका बेनिफिट मेरे बच्चे अभी फ्यूचर में मिलना होता है वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता, वो हमारा एसेट होता है। और उस 20,000 को मैं क्या करूंगा, उस 20,000 को मैं यहां पे सैलरी नहीं मेरे बच्चे, हम उसको प्रीपेड सैलरी के नाम से दिखाते हैं, प्रीपेड सैलरी। याद कीजिए जब आप छोटे छोटे बच्चे थे 11वीं क्लास में, तो प्रीपेड सैलरी को कहा जाता था कि भैया ये हमारा एसेट है, और इस एसेट को ना हम बैलेंस शीट में दिखाया करते थे, बैलेंस शीट में। सिंपल सी बात है,
जिस वैल्यू का हमने बेनिफिट ले लिया वो हमारा एक्सपेंस है, और जिस वैल्यू का बेनिफिट अभी हमें फ्यूचर में मिलेगा वो फ्यूचर, मेरे बच्चे जिस दिन अकाउंटिंग कर रहे हो ना, जिस दिन अकाउंटिंग कर रहे हो उसके एक दिन के बाद भी हो सकता है, एक महीने के बाद भी हो सकता है, एक साल के बाद भी होता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी चीज आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा हम उसको एसेट्स बोलते हैं, और जिसका बेनिफिट ले चुके हम उसको एक्सपेंस बोलते हैं। अब देखो ना कितना अच्छा लगेगा अगर कोई बोलता कि जरा बताओ जी एसेट्स क्या होता है, तो आप थोड़े उसको एग्जांपल बताओगे, कहना यार कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा वो हमारा सारा एसेट्स है। अब जितने नाम लो, ये बुक जो है ना बच्चे, ये भी मेरा क्या है जी एसेट है, क्यों? क्योंकि इसको फ्यूचर में भी यूज करूंगा। ये जो रिमोट है वो भी क्या है, मेरा एसेट है क्योंकि फ्यूचर में यूज करूंगा। ये मार्कर भी मैं क्या करूंगा जी, फ्यूचर में यूज करूंगा, मेरा एसेट है। ये बिल्डिंग, ये फर्नीचर, ये लैंड, ये सब हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं, क्योंकि इनको हम आगे अभी यूज करेंगे। और हाँ, जिसका बेनिफिट ले चुके, जिसको यूज कर चुके हम उसको एक्सपेंस बोलते हैं। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। मैं थोड़ा सा ना और आगे बढ़ता हूं और एक सवाल आपसे पूछूंगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सवाल का जवाब आप गलत देने वाले हैं। मेरे बच्चे अगर आपने सही जवाब सोचा होगा तो वीडियो को आप जहां पे बोलूंगा वहां पे पहुंच करेंगे, उसका सही आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, और कमेंट में लिखने के बाद फिर आगे की वीडियो देखेंगे कि क्या आपका आंसर मुझसे मैच कर रहा है क्या। एक बार देखते हैं क्या। सुनना ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगले एग्जाम्पल को ध्यान सुनना, मैं इसको मिटाऊंगा, इसको मैं मिटाता हूं और अगले एग्जाम्पल को आपको यहां पर समझाता हूं। सुनिए मेरी बात ध्यान से क्या। सीओसी फॉर्म की अकाउंटिंग हो रही है, आप सीओसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि आप इन कंपनी का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनके अकाउंटेंट है। अरे जरा बताओ महीना कौन सा था? जुलाई का। जुलाई का इंप्लॉय का नाम क्या था? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने मेरे बच्चे पूरे जुलाई के महीने में, पूरे जुलाई के महीने में क्या किया, आपके पास काम किया, और काम करने के बाद एंड में आया और एंड में आके बोला कि देखो जी मैंने पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो, है ना, काम किया मेरी सैलरी पे करो। मेरे बच्चे इसने पूरे महीने काम कर लिया और इसने बोला कि मेरी सैलरी पे करो, लेकिन सीओसी ने यानी कि आपने कहा कि देखो जी अभी पैसे नहीं है, अभी पैसे नहीं है, आप ना एक काम करो 3-4 दिनों के बाद आना, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पैसा लेके भाग रहा हूं, आप मेरे पास काम क्यों मुझे पता है, लेकिन मैं ना ये पेमेंट जो आपका करंट मंथ का है वो मैं 3-4 दिन के बाद आपको पे कर दूंगा। मेरे बच्चे एक सवाल मुझे आपसे, जरा मुझे बताइए कि अगर मान लो कि इसने पूरे महीने काम कर लिया लेकिन काम करने के बाद एंड में जब आया आपसे पैसा मांग रहे, आपने कहा कि अभी पैसा नहीं है, कुछ दिनों के बाद पे कर दूंगा, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि क्या जुलाई के एंड में यानी कि 31 जुलाई को अगर आपने एंट्री पास करना है तो क्या सीओसी का यहां पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सीओसी मेरे बच्चे यानी कि आप मुझे बताइए कि 31 जुलाई यानी कि जुलाई के एंड में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो क्या यहां पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा कि नहीं, जबकि आप जानते हैं कि अभी सीओसी ने पेमेंट नहीं किया है, उसने क्या बोला कुछ दिनों के बाद पेमेंट कर दूंगा, ठीक है ना। तो मेरा सवाल क्या है कि एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा। अब आप वीडियो को यहां पे पॉज करें, आप कमेंट में इसका आंसर लिखें, और अगर मेरे बच्चे आपका आंसर मुझसे मैच कर गया ना तो अपना नाम भी लिख देना, मैं आपके घर में आऊंगा, खूब सारे चॉकलेट खिलाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि आपने सही जवाब दिया है। मुझे बताओ यहां पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। अरे अभी कहां कोई पेमेंट हुआ है, आपने तो कोई पेमेंट ही नहीं किया तो फिर एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, यही है ना बच्चे। यानी कि आप बोल रहे हो कि सर यहां पे एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा, अगर आप कहते मेरे बच्चे कि एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे आप जरा एक बार अपनी आत्मा से पूछो और मुझे बताओ कि क्या सीओसी ने मिस्टर ए का यहां पे पूरे महीने का जो एंड में जहां पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या इसका बेनिफिट लिया कि नहीं लिया। सीओसी ने मिस्टर ए का जरा बताओ बेनिफिट यानी कि उसको यूज किया कि नहीं किया। सर यूज तो कर चुका है, बेनिफिट तो ले चुका है। तो मेरे बच्चे अगर हम बेनिफिट ले चुके हैं, अगर हम बेनिफिट ले चुके हैं, हमने क्या लिखा था ऑलरेडी टेकन, ये मिट गया आपका ऑलरेडी टेकन। अगर हम बेनिफिट ले चुके हैं तो मुझे बताओ ऑलरेडी बेनिफिट टेकन, अगर हम बेनिफिट ले चुके हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं, यही तो बताया था। अरे हमने कहा कि अगर आपने किसी का सर्विसेज, आपने किसी का बेनिफिट ले लिया तो फिर वो एक्सपेंस आपका रिकॉर्ड हो चुका है। यानी कि मेरे बच्चे आपको क्या करना होगा, यहां पे 20,000 से आपको यहां पे सैलरी
सैलरी यानी कि आपको एक्सपेंस यहां पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपका एक्सपेंस हो चुका है, ये आपका एक्सपेंस हो चुका है ना, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस तो हो चुका क्योंकि आपने बेनिफिट ले लिया। अब मैं पूछता हूं कि जो 20,000 आपका एक्सपेंस हुआ, क्या इसके बदले में आपने पेमेंट किया है क्या? क्या जो आपने बेनिफिट ले लिया उसके बदले में आपने पेमेंट किया है क्या? नहीं सर, हमने पेमेंट नहीं किया है। पर बच्चे, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, अगर पेमेंट नहीं किया है तो सीओसी के ऊपर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा, एक ऑब्लिगेशन कि हाँ जी मुझे उसको पेमेंट करना है। और पता है मेरे बच्चे, जब भी आपके ऊपर में कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है ना, ऑब्लिगेशन किसी भी तरीके का अगर आपके ऊपर में ऑब्लिगेशन आएगा तो हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, वो हमारी लायबिलिटी है। इट्स वेरी सिंपल। तो आप क्या करना कि एक तो 20,000 से आपका एक्सपेंस हो चुका है क्योंकि आपने बेनिफिट ले लिया, और मेरे बच्चे अगर इसके बदले में मैं पेमेंट कर देता तो मेरे पास से कैश चला जाता। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा, लायबिलिटी, और आपको साथ साथ यहां पे 20,000 रुपए से आपको क्या करना होगा जी, अपने लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। लायबिलिटी को जरा बताओ किसको हमें पेमेंट करना है जी, मिस्टर ए, तो मैं क्या करूंगा, ए का नाम यहां रिकॉर्ड करूंगा कि मुझे ए का पेमेंट करना है। एक्सपेंस हमारा हो चुका है, अगर पेमेंट कर दिया तो कैश चला गया, और अगर पेमेंट नहीं किया तो हमारे ऊपर में क्या होगा जी, एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। किसको पेमेंट करना है, मिस्टर ए को, तो मैं ए का नाम लिख दूंगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आपने पढ़ा ना बचपन के अंदर में। और मेरे बच्चे आप जरा मुझे ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या टाटा, रिलायंस, विप्रो, ये सब कंपनी जो आपने नाम सुना है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें एक दो इंप्लॉय ही काम करते हैं क्या? नहीं सर, ये तो इसमें तो लाखों इंप्लॉय काम करते हैं, करोड़ों इंप्लॉय काम करते हैं। मेरे बच्चे जब बहुत सारे इंप्लॉय काम करते हैं ना, और हर एक इंप्लॉय को कुछ कुछ पेमेंट करना बकाया है, तो मैं कितने लोगों के नाम को लिखूंगा, कितने लोगों के नाम को? कितना गंदा लगेगा कि मिस्टर ए को पे करना, बी को पे करना, सी को, डी, ई, हजारों नाम है, उन सबके नाम से एंट्री कर रहे हैं। अकाउंट्स कहते हैं कि काम करो जी, आप जितने लोगों को पेमेंट करना है ना, उनका नाम लिखने के बजाय, नाम लिखने के बजाय आप ना यहां पे क्या करो, लिख दो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आपका, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, मिस्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, मिस्टर ए को। मतलब हमने क्या किया, उसका उसका नाम को लिखने के बजाय, क्योंकि बहुत सारे लोग होते तो अकाउंट्स कहता है कि इतने लोगों के नाम को कैसे लिखोगे, आप क्या करो जी, लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चे जिसको मैं पेमेंट करना है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो अगर मान लो कोई पूछे ना आज के बाद की, बताओ जी एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब, तो आप कहना एक्सपेंस का मतलब जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। इसको आगे लिखता हूं, फुल स्टॉप लिखना है यहां पे, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, इट डज नॉट मैटर, मैटर वेदर, डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर, वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट, पेमेंट, पेमेंट हैज बीन, हैज बीन, हैज बीन मेड और नॉट। मेरे बच्चे आपने पेमेंट किया है या पेमेंट नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, बेनिफिट लेना। किसी भी चीज का अगर आप बेनिफिट ले चुके तो हमारा एक्सपेंस हो चुका है, अगर उसके बदले में हमने पेमेंट कर दिया है तो कैश चला गया, नहीं पेमेंट किया तो क्या हो गया, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा कहो कि मैंने यहां पे थोड़ा सा और एक कलाकारी आपको दिखाना चाहता हूं, आपको अच्छा लगेगा, ये देखो क्या यहां पे थोड़ा सा एक कलाकारी दिखाना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात। ये देखो आप, ये कौन सा महीना है, जुलाई का, आपको नहीं लिखना, मेरी बात ध्यान सुनना है। आप कौन हो, आप सीओसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंप्लॉय का नाम क्या है जी, मिस्टर ए, मिस्टर ए ने पूरे महीने आपके पास काम किया, एंड में आके बोला कि मैंने काम किया, मेरी सैलरी पे करो, आपने कहा कि काम किया ठीक है, अभी पैसे नहीं है, चार पांच दिनों के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। तो मेरे बच्चे हुआ क्या कि यहां पे आपने क्योंकि उस इंप्लॉय का बेनिफिट ले लिया है, तो एक तो आप यहां पे सैलरी आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, कितने से जी, 20,000 से, कि 20,000 से हमारा सैलरी यानी कि एक्सपेंस हो चुका है। और क्योंकि मेरे बच्चे उसको पेमेंट करना है, उसको पेमेंट करना है मिस्टर ए को, तो आपके ऊपर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ, तो आपने साथ ही साथ क्या किया जी, 20,000 से एक लायबिलिटी आपने बढ़ाया, और जरा बताओ उस लायबिलिटी का हमने नाम क्या बोला जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का। बहुत सारे लायबिलिटी होता है ना बच्चे, बहुत सारे लायबिलिटी होते हैं, जैसे देखो बहुत सारे बच्चे हैं, कोई अब बच्चा तो सभी है ना, अब लड़का है तो उसके हजारों नाम है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, लड़की है तो उसके हजारों नाम है, गीतिका, राशिका, आपका गीता, सीता, बहुत सारे नाम है, तो हर एक का एक नाम देना होगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया, एक्सपेंस कौन सा है जी, सैलरी है, लायबिलिटी का नाम क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, मतलब वो मिस्टर ए है, एक्चुअली कौन है जी, वो मिस्टर ए है जिसका हमें पेमेंट करना है।
अब ध्यान देना, अगले महीने में क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद आपने क्या किया जी, उस मिस्टर ए का पेमेंट कर दिया। पेमेंट करोगे ना, ऐसा थोड़े कि आप पेमेंट नहीं करोगे। मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताओ कि अगर अगले महीने में आपने कुछ दिनों के बाद आपने उस इंप्लॉय का ये पेमेंट कर दिया, तो क्या एक्सपेंस यहां पे दोबारा रिकॉर्ड करोगे क्या? क्या एक जो जुलाई का अमाउंट आपने यहां पेमेंट करने के बजाय अगर अगले महीने में आपने पे कर दिया, तो क्या यहां पे एक्सपेंस दोबारा रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं सर, एक्सपेंस तो एक बार हुआ, जो हम रिकॉर्ड कर चुके, दोबारा थोड़ा रिकॉर्ड होगा, नहीं होगा मेरे बच्चे, दोबारा थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर यहां पे क्या एंट्री होगी? अरे ये जो कर्ज था ना, जो कर्ज लायबिलिटी ऑब्लिगेशन, वो खत्म हो गया। अगर मैं लायबिलिटी का पेमेंट कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा जी, ये जो आउटस्टैंडिंग आपका सैलरी यानी कि मिस्टर ए का जो नाम था ना, यानी कि जो लायबिलिटी आपकी थी ना बच्चे, हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। और आपके पास से क्या चला गया? कैश चला गया, पे कर दिया, कैश चला गया हमारे पास से। तो 20,000 से लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, 20,000 कैश चला जाएगा। बिलीव कीजिए, अगर आज के बाद कोई पूछे ना आपसे कि एक्सपेंस क्या होता है, एक ही सेंटेंस में आप उसका जवाब देंगे कि देखो जी, कोई भी ऐसा वैल्यू जिसका हम बेनिफिट ले चुके हैं, वो हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और जिसका बेनिफिट अभी आगे हमें लेना है, हम उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। यही तो काम होता है ना। तो ये चीजें अब आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। मैं एक और भी, इसको नहीं हटाऊंगा, इसको नहीं, मैं एक और भी आपको चीज यहां पे समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए उसके बारे में, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। देखो आप मेरे बच्चे, ये हमारा क्या है जी, ये आपका मान लो 2022 है, 2022 ये काम करते आ रहे हैं आप, मैं बस आपको पीछे की बातें रिकॉल करा रहा हूं। और ये हमारा क्या है, 2023। आपने क्या किया पिछले साल के एंड में, मान लो यहां पे एक मशीन परचेज किया, और मशीन मेरे बच्चे हमने क्या परचेज किया, 5 लाख रुपए का। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मशीन 5 लाख का बढ़ गया, और अगर पेमेंट कर दिया तो आप कहते हो कि कैश हमारे पास से 5 लाख रुपए चला गया। यही काम करते हैं ना कि मशीन हमारे पास आ गया और कैश चला गया। अरे यही तो काम करते हैं कि मशीन हमारा बढ़ गया और कैश हमारे पास से चला गया, ठीक है ना, 5 लाख रुपीज का। यानी कि एक एसेट आपके पास से चला गया, कैश भी हमारा एसेट है, और दूसरा एसेट हमारे पास आ गया, ठीक है, खत्म होगी बात ये, ठीक है। अब देखो, ये हमारा मशीन हो गया। अब होता क्या है, ये बिल्कुल साल के एंड में परचेज किया था मशीन, एक साल गुजर गया आपने इस मशीन को यूज कर लिया। तो एक साल जब मशीन आपने यूज कर लिया, तो याद कीजिए आप 11th क्लास में क्या करते थे, आप क्या करते थे कि जो 5 लाख का मशीन है ना, मान लो आप कहते हो कि यार हमने इसमें से 50,000 की वैल्यू को यूज कर लिया, 50,000 आपने यूज कर लिया, तो याद कीजिए मशीन जो होता था ना बच्चे, उस मशीन में हम लोग क्या करते थे, माइनस कर देते थे 50,000 रुपीज, और उस 50,000 को अकाउंट्स में हम किस नाम से दिखाते थे, डेप्रिसिएशन के नाम से, डेप्रिसिएशन आपका 50,000 है ना। मशीन याद कीजिए, 5 लाख में 50 यूज हो गया, तो मशीन की अब वैल्यू कितनी बच जाती थी, 450, बैलेंस शीट में 450 दिखाते थे। ये क्यों करते थे, इसलिए करते थे मेरे बच्चे क्योंकि एक साल में अब जितनी वैल्यू को आपने यूज कर लिया, यूज करते हुए अब हमारा एक्सपेंस बन गया। यानी कि यहां पे मेरे पास 5 लाख रुपीज का वैल्यू है जिसको मैं आगे यूज करूंगा, लेकिन 5 लाख में 50,000 अगर वैल्यू मैंने यूज कर लिया, तो हमारे एसेट की वैल्यू 50 से कम हो जाएगी, और डेप्रिसिएशन यानी कि हम लोग क्या करते थे, अपने एक्सपेंस को 50 से बढ़ा देते थे। ये डेप्रिसिएशन हम कहां दिखाते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ये चीजें आप जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने कहा ना, मैं आपको ब्रशअप करना चाहता हूं एक बार आगे के कॉन्सेप्ट में आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम करने मेरे बच्चे यहां पे, बहुत सारी बातें करनी है, और आपको यहां पे मास्टरी करने के लिए इन बातों का जो इंप्लीकेशन है ना, जो कलाकारी है, वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए, बस उसी को रिकॉल करा रहा हूं। तो ठीक है, अब देखो ना कि एसेट्स जो आज है, जरूरी नहीं कि कल भी हमारा एसेट्स रहेगा। आज मशीन 5 लाख का है, हमने मान लो कि 50,000 की वैल्यू यूज कर लिया, तो एक साल के बाद अब मशीन कितना, 450 का रह जाएगा, और हमारा डेप्रिसिएशन मतलब एक्सपेंस कितना हो गया, 50,000। फिर एक साल हमने यूज कर लिया, तो एक साल के बाद फिर से मशीन की वैल्यू को हम कर देंगे और एक्सपेंस यानी कि डेप्रिसिएशन को बढ़ा देंगे। यही काम तो हम करते आ रहे हैं मेरे बच्चे, यही काम तो करते आ रहे हैं। तो देखो, मैं आपको दो वर्ड का मीनिंग समझाया, कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा हमारा एसेट से, जिसकी वैल्यू यूज कर चुके, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। नाउ कम टू कैपिटल आपका, ये तो नाम जानते हो ना,
ये कैपिटल कौन सी बड़ी बात है यार, ये तो आपने बचपन से पता नहीं कितने सारे बात स्टडी की है, कितना आपने मस्त तरीके से कैपिटल का मीनिंग पढ़ा था। जरा मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ जरा कि कैपिटल का क्या मतलब होता है। अरे पूछ रहा हूं, जरा बताओ कि कैपिटल का क्या मतलब होता है। सर ये कौन सी बात है? और कैपिटल का मतलब कि जो भी पैसा ओनर ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया उसको कैपिटल बोलते हैं, यही तो कैपिटल होता है। मैं आप ही की बात को ऐसे रख रहा हूं। ये देखो मैं ओनर हूं, सीओसी का मेरे बच्चे मैं ओनर हूं, है ना, मान लो मैं ओनर हूं और मेरे पास ना ये 5 लाख की गड्डी है, 5-5 सौ रुपए के बहुत सारे नोट से, मैं पूरा कैसे दिखाऊं। मान लो ये 5 लाख की गड्डी है, मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे बताओ ये 5 लाख रुपीज मैंने, यानी कि ओनर ने, दिख रहा ना ये 5 लाख, अब पीछे के नोट तो नहीं दिखाई देंगे बट यहां पे गांधी जी का फोटो दिखना चाहिए, और याद रखना गांधी जी का फोटो रुपए पे होता है 500 रुपए के ऊपर में। तो मेरे बच्चे ये 5 लाख की गड्डी है, आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, मैंने क्या किया 5 लाख रुपए मैंने बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट किया, 5 लाख मैंने क्या किया बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट किया। एक बात बताओ, जिस 5 लाख रुपए को मैं यानी कि ओनर बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, देख रहा हूं ना 5 लाख रुपए, ये कैपिटल है कि नहीं है, बोलो ना, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिस 5 लाख रुपीज को ओनर ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया ये कैपिटल है कि नहीं है? सर ये है, सर ये कैपिटल है, ये कौन सी बड़ी बात है? हमने 11वीं क्लास से पढ़ा है कि जो भी पैसा ओनर बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगा हम उसको कैपिटल बोलते हैं। तो सर ये कैपिटल है मेरे बच्चे, फिर से कहता हूं गलत जवाब। पता नहीं आज क्या हो गया आपको, आप उल्टे सीधे जवाब क्यों दे रहे हैं? अरे जो 5 लाख रुपीज मैंने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया, क्या इसको आप ये कैपिटल दिख रहा आपको, ये कैश है? अरे पूछ रहा, बता ना बदमाश, ये कैपिटल दिख रहा है कि कैश दिख रहा है? मैंने तो बचपन से मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है कि जिसमें गांधी जी का फोटो होता ना वो कैश होता, वो कैपिटल नहीं होता। मैं दुकान में जाता हूं तो बोलता हूं कि लो जी लो कैश, मैं कैपिटल नहीं बोलता कि लो जी लो कैपिटल आपका, ये कैपिटल नहीं है मेरे बच्चे, ये तो कैश है। अरे जो भी पैसा ओनर बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है वो कैश है मेरे बच्चे, कैपिटल नहीं है। तो फिर सर कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है? आओ ना इस मीनिंग को मैं आपको सीओसी का एक बैलेंस शीट बना के आपको समझाता हूं कि एक्चुअली कैपिटल का क्या मतलब होता है। ये चीजें मेरे बच्चे जिस दिन हम दिमाग में बैठ जाती है ना, तो बिलीव कीजिए अकाउंट्स बहुत सिंपल हो जाता है। सुनिए मेरी बात कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल का मतलब ये देखो, आप ध्यान सुनेंगे, आप ये 5 लाख रुपीज जो मैंने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया ना मेरे बच्चे, ये मेरे पास था वो भी कैश है, और अगर ये पैसा मैं अब बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर दूंगा तो सीओसी का ये कैश ही बढ़ेगा, ये कैश ही है, ये कहीं भी किसी से पूछो ये क्या कैश ही होगा। तो पता है जैसे ही मैंने यानी कि ओनर ने सीओसी को 5 लाख रुपीज कंट्रीब्यूट किया ना बिजनेस में, तो सीओसी का कैश बढ़ेगा न कि कैपिटल बढ़ेगा। कितना जी 5 लाख, तो लो हमने क्या किया 5 लाख रुपए से बढ़ा दिया कि ठीक है जी कैश हमारे पास आ गया। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान सुनना, आप जानते हो कि मैं अलग हूं और सीओसी अलग है। जिस दिन हमने फर्म को क्रिएट किया अकाउंटिंग पर्पस के लिए, फर्म अलग माना जाता है, ओनर अलग माना जाता है। तो जब भी इनके पास 5 लाख रुपीज कैश आएगा ना या कुछ भी आएगा, तो इनसे पूछा जाएगा कि ये 5 लाख रुपीज जो आपके पास कैश आया वो कहां से आया, किसने दिया, आपको बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। डबल एंट्री सिस्टम है ना मेरे बच्चे, कि अगर आपके पास कुछ भी आएगा तो आपको रीजन बताना कि वो कहां से आया। तो मुझे बताओ ना कि आपके पास यानी कि सीओसी फर्म के पास जो 5 लाख रुपीज आया है वो किसने दिया है, किसने दिया है? सर इनके ओनर ने दिया है, ओनर ने मेरे बच्चे, ओनर ओनर ने जो दिया ना, तो ओनर को ही थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हुए उनका नाम लिखने के बजाय वो कहते हैं कि भैया हमारे पास क्या है जी, ये ओनर ने दिया, मतलब कि कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं 5 लाख रुपीज का अमाउंट, ये आपका काम होता है। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर, नाम क्यों नहीं लिखते? मेरे बच्चे नाम लिख सकते हैं, लेकिन सोचो ना एक्चुअली होता क्या है कि आप जैसे देखो कि आपके पापा है, आपकी मम्मा है जिन्होंने आपको क्रिएट किया है, तो कभी पापा को उनके नाम से पुकारते हो क्या? कभी आप पुकारते हो? मैं तो नहीं पुकारता, कभी आप नहीं पुकारते हैं। हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो अकाउंटिंग में भी मेरे बच्चे इनको जिन्होंने क्रिएट किया उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, और ये क्या करते हैं उस रिस्पेक्ट को देने के लिए जब भी इनके पास ऑनर कुछ पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो उसका नाम लिखने के बजाय वो क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल वर्ड का मतलब है कि ऑनर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया।
सुनो मेरी बात ना, तो अब सुनो ना ध्यान से मेरी बात सुनो। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज नॉट द अमाउंट ऑफ कैश। ये कैश नहीं है मेरे बच्चे, ये बिजनेस में जो ओनर का क्लेम है ना, ओनर का क्लेम कि ओनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, उसी को बताना सिर्फ कैपिटल कहते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में आता हूं, डिटेल में सुनिए मेरी बात। सीओसी को ना एक मान लो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट थी, सीओसी को मान लो एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट थी। अब मेरे पास ना अपना एक बिल्डिंग पड़ा था, मैंने बोला चल इसको भी बिजनेस में डाल देता हूं, बिजनेस इसको यूज करेगा। मेरा पर्सनल था लेकिन मैंने क्या किया उसको बिजनेस में डाल दिया। मेरे बच्चे अगर 20 लाख की बिल्डिंग ओनर ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया, अपना बिल्डिंग मैंने क्या किया बिजनेस में दिया, तो बताओ सीओसी का क्या बढ़ गया? सर बिल्डिंग बढ़ गया। मत कहना कि भैया यहाँ पे कैपिटल बढ़ गया, आप बोलना कि बिल्डिंग बढ़ गया। कितने का बिल्डिंग इनके पास आ गया जी? 20 लाख रुपीज का, 20 लाख का। लेकिन मेरे बच्चे जो 20 लाख की बिल्डिंग इनके पास आई वो किसने दिया है, वो कहां से आया? तो ये भी ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है। जब भी ओनर कंट्रीब्यूट करेगा ना तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास जितने भी एसेट्स है उसमें से इतना अमाउंट क्या है जी कि ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरे बच्चे मैं जो 5 लाख का यहाँ पे अमाउंट था ना, 5 लाख का अमाउंट, मैं इसको बढ़ा के अब कहूंगा कि ओनर ने, यानी कि मैंने 5 नहीं, मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 25 लाख रुपीज है ना। ये भी मैंने दिया था, ये भी मैंने दिया था, तो 25 लाख हो गया। कौन सी बड़ी बात आपका है ना। अब देखो सीओसी को मान लो और भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, सुनो मेरी बात, सीओसी को और भी पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब जो सीओसी को पैसे की रिक्वायरमेंट है ना, अब ओनर के पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं बिजनेस में लगा पाऊं, तो सीओसी क्या करेगा? उनको तो बिजनेस चलाना मेरे बच्चे। अगर ओनर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो सीओसी क्या करेगा? बैंक से जाकर लोन लेगा, लेगा ना, बोलो ना। हाँ, अरे बिजनेस में अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और अगर ओनर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता तो क्या करते हैं, जाके कर्ज ले लेते हैं। मान लो कि सीओसी ने क्या किया मेरे बच्चे, बाहर से जाके सपोज कि बैंक वाले से 10 लाख का लोन ले लिया, 10 लाख का लोन। मुझे बताओ कि सीओसी अगर मान लो 10 लाख का लोन लेगा तो सीओसी के पास क्या आएगा, बोलो बोलो, कि अगर सीओसी ने बैंक से लोन लिया तो सीओसी के पास क्या आएगा? कैश ही तो आएगा मेरे बच्चे। अगर मैं लोन लूंगा तो भी मेरे पास क्या आएगा? पैसे ही तो आएंगे, बोलो ना। हाँ, और अगर पैसा आएगा तो सीओसी क्या करेगा? मान लो 10 लाख का लोन लिया तो जो आपका 5 लाख यहां पे था ना बच्चे, 5 और 10 मिलकर कितना हो गया जी? 15 लाख रुपीज यहां पर कैश हो गया, 15 लाख रुपए आपका है ना, ये आपका 15 लाख का हो गया। और जो अभी 10 लाख रुपीज कैश आया है क्या ओनर ने दिया है? ना ना ना, वो पैसा ओनर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। किसने दिया है? बैंक वाले ने। मेरे बच्चे जिससे भी आप पैसा रेज किए, जिससे भी आपने पैसा लिया उसका नाम लिखना पड़ेगा। अगर ओनर पैसा देगा तो ओनर का नाम लिखना, अगर आपने कर्ज लिया है, लायबिलिटी लिया है, तो क्या करना, उनका नाम लिख देना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लायबिलिटी का नाम क्या था जी? बैंक लोन है ना। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें उसका नाम लिखना होगा ना, कितने का लोन लिया था? 10 लाख रुपीज। जरूरी नहीं कि आप बैंक लोन ही लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम HDFC बैंक, बैंक लोन, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी आपके पास अभी आया वो कहां से आया। अगर वो ओनर कंट्रीब्यूट करेगा तो उसके अकाउंट में ऐड कर देंगे, अगर हम बाहर वालों से पैसा लेंगे तो हम क्या करेंगे जी, उसका नाम लिख देंगे, जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी आपका, ठीक है ना। अब देखो ना, इसके पास टोटल एसेट्स कितने के हो गए जी आपका? 35 लाख रुपए के, 35 लाख रुपए के हुआ ना बच्चे, 35 लाख रुपए के जो एसेट्स हुआ उस 35 में, ध्यान देना, इस 35 में ओनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 25 लाख। जरा बताओ इसमें लायबिलिटी वालों ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 10 लाख रुपीज। तो ठीक है, हमें बताना पड़ता है कि जो भी कुछ हमारे पास है वो कहां से आया, किसने कितना कितना दिया, उस बात को यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब सुनो ना, मैं एक छोटी सी बात आपसे कर रहा हूं। ये देखो इनके पास ये 15 लाख कैश पड़ा हुआ है, अब इनको बिजनेस करना ना बच्चे। इन्होंने क्या किया, जो 15 लाख कैश पड़ा हुआ है उसमें से मान लो 8 लाख रुपीज का मशीन परचेज कर लिया। अरे पैसा कैश थोड़े रखना है, हमें बिजनेस करना, मशीन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो सीओसी ने क्या किया कि 15 लाख रुपीज का जो कैश है मान लो उसमें से 8 लाख रुपीज का मशीन परचेज कर लिया। मेरे बच्चे अगर आपने 8 लाख का मशीन परचेज किया तो कैश अब आपका 8 लाख से कम हो जाएगा। बताओ अगर 8 लाख से कैश कम हो गया तो कैश आपके पास कितना बच गया यहाँ पे? 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, कैश आपका जो था वो 7 लाख रुपीज कर दिया। और हमारे पास एक नया नाम क्या आ गया जी? मशीन हमारे पास आ गया। मशीन कितने का? 8 लाख रुपीज का, 8 लाख रुपीज का।
अभी भी आपका बैलेंस शीट टैली कर रहा है 7 + 20 + 8 कितना हो गया 35 और 35। कोई भी अगर आपसे पूछ दे, दिमाग शांत करो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये क्लास जो आज रिकॉर्ड कर रहा हूं ना बच्चे, इसका बेनिफिट आपको आगे कितना मस्त मिलने वाला है आपको खुद आगे समझ में आएगा, लेकिन आज शांति से मेरी बातें सुनो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात। अगर कोई पूछे ना आपसे, अगर कोई पूछे कि बताओ कैपिटल का क्या मतलब है, कैपिटल का मतलब, तो दिमाग शांत करना, जैसे बोलूंगा वैसे आपका दिमाग चलेगा। कैपिटल का मतलब होता है कि फर्म में जितने भी टोटल एसेट्स है ना, टोटल एसेट्स फर्म में टोटल एसेट्स कितने 35 लाख, इस 35 लाख में से ओनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ओनर ने, तो 35 में ओनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है 25 लाख रुपए, इसको कैपिटल बोलते हैं। और इस 35 लाख में से बाहर वालों ने यानी कि बैंक लोन वाले ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो 10 लाख रुपए, जिसको हम लायबिलिटी कहते हैं, है ना। क्लेम जो ओनर का होगा इन टोटल एसेट्स, लायबिलिटी का भी क्लेम क्या होता है इसमें से आपका होता है। मतलब सर लिखिए थोड़ा सा यहां पे कैपिटल के बारे में, लिखेंगे कैपिटल के बारे में, इट इज, लिखेंगे इट इज द क्लेम, इट इज द क्लेम ऑफ ओनर, ऑफ ओनर, ये क्लेम है ओनर का, कहां जी, इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस, टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। मेरे बच्चे बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं ना, जितने भी एसेट्स हैं उसमें जो ओनर का क्लेम होगा हम उसको क्या बोल देंगे, कैपिटल। और लायबिलिटी का एक डेफिनेशन मैंने क्या दिया था आपको, ऑब्लिगेशन, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, इट इज द क्लेम ऑफ, इट इज द क्लेम ऑफ, साथ साथ लिखेंगे आप आगे पीछे ना हो, इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स, इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस, इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस, टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। और एक काम करो ना, इस डेफिनेशन को लिखने के बाद एक चीज तो आप यहां पे करेंगे अंडरलाइन, एक तो वर्ड आपका क्लेम और दूसरा आपका टोटल एसेट्स, यहां भी और यहां भी मेरे बच्चे, लायबिलिटी में भी क्लेम और दूसरा क्या जी, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स आपका। सर क्या बोलना चाहते हो ठीक से समझाओ, ध्यान से आई जरा सुनिए मेरी बात। इस पैसे को मैं अपने पास रख लेता हूं, एक्चुअली जब आज क्लास को रिकॉर्ड करने आया था ना तो मैंने अपने पापा से पैसे मांगे थे कि पापा दे दो मुझे बच्चों को कुछ समझाना है, उन्होंने क्या क्या मुझे पैसे दिए और वही पैसे से मेरे बच्चे क्लास को समझा रहा हूं, फिर जब मैं घर जाऊंगा तो पापा को पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, मेरे घर की बात छोड़ो, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात, नजर यहां, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल, तो आप शांत करो दिमाग को, मेरे साथ दिमाग चलाओ, कैपिटल क्या होता है, सीओसी में कैपिटल क्या है, तो मेरे बच्चे सीओसी में कैपिटल का मतलब होता है कि सीओसी में जितने भी एसेट्स होंगे ना, जितने भी एसेट्स होंगे उसमें से ओनर का कंट्रीब्यूशन कितना, हम उसको कैपिटल बोलते हैं। सीओसी में जितने भी, तो सीओसी में टोटल एसेट्स कितने का है 35 लाख का, इस 35 लाख में से ओनर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है 25, तो दिस इज कैपिटल। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, सीओसी में जितने भी एसेट्स हैं उसमें से बाहर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना है, ओनर को छोड़ के बाकी सबको क्या बोलेंगे, आउटसाइडर्स, तो बाहर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना, हम उसको बोलते हैं 10 लाख, यानी कि आपका लायबिलिटी यहां पे, यही तो बात कहा आपका, इट इज द क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस, इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइड इन टोटल। सर बार बार आप टोटल एसेट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप गलत काम करते हो समझते समय, पता है आप क्या करते हो, आप क्या समझते हो कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो देखो आपको क्या, एक सवाल पूछता हूं मैं, एक सवाल पूछता हूं और उस सवाल का जवाब दो ना आप, जरा दो जवाब, मैं एक स्टेटमेंट आपको देता हूं, जो स्टेटमेंट मैं दूंगा अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो मेरे बच्चे आप एक काम करना कि जैसे ही मैं पूछूंगा बताओ यस और नो, तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके फिर से कमेंट में जाएंगे और सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर आप यस या नो में लिखेंगे आप, अगर आपका सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है और अगर गलत हुआ तो भी परेशान मत होना, मैं समझाने के लिए हूं ना, मैं तभी तो आज की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात, यहां पे मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरा स्टेटमेंट सुनना। मान लो मैं आपके पास आया, आप घर में बैठे हुए थे, आप घर में बैठे हुए थे अच्छे से, मतलब बिल्कुल नहा धोवा के खाना वाना खा के बैठे हुए थे, मैं के घर में आया और मैंने बोला कि बच्चे क्या कर रहे हो, आप बोलो कि सर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं। हमने पूछा कि यार अकाउंट्स में एक वर्ड होता है कैपिटल, इसका क्या मतलब है, तो पता आपने एक मीनिंग मुझे समझाया, और इसी बैलेंस शीट को देखते हुए जो मीनिंग आपने मुझे समझाया कैपिटल का, मैं वो बोलता हूं कि आपने मुझे क्या समझाया, सिर्फ ये बताना कि जो मीनिंग आपने मुझे बताया कैपिटल का वो सही बताया कि गलत बताया,
दोबारा क्वेश्चन सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि आप घर में बैठे थे, मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि कैपिटल का क्या मतलब होता है, आपने कैपिटल का एक मतलब मुझे बताया, जो मतलब आपने मुझे बताया मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या बताया, आप बोलना कि सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। सुनिए ध्यान से, इसी बैलेंस शीट को देख के मैं समझाता हूं। और जो कहानी अभी बताया था ना, जरा बताओ अभी तक क्या क्या हुआ था, मैं याद दिला दूं अभी तक क्या क्या हुआ था। पहले मैंने 5 लाख कैश दिया था, तो बिजनेस का कैश बढ़ गया था और अपने कैपिटल को बढ़ाया था। फिर मेरे बच्चे मैंने बिल्डिंग दिया था, तो आपने सीओसी का बिल्डिंग बढ़ाया था और फिर कैपिटल को बढ़ाया था क्योंकि ओनर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था। फिर 10 लाख का बैंक से हमने लोन लिया था, तो लोन लिया तो पैसे आ गए और अपनी लायबिलिटी बढ़ा दिया। फिर उस पैसे से आपने क्या किया, मशीन परचेज किया, तो कैश कम कर दिया और मशीन को बढ़ा दिया। इतना ही अभी बिजनेस में हुआ है, अभी इतना ही बिजनेस में हुआ है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं हुआ मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं हुआ। और ये बैलेंस शीट बना के आप बैठे हुए हो सीओसी का। मैं आया बोला कि बताओ कैपिटल आप लिखो बैलेंस शीट में 25 लाख, इसका क्या मतलब है? तो देखो आपने क्या बताया, आपने कहा कि सर इसका मतलब है कि ओनर का जो क्लेम है ना, ओनर का क्लेम यानी कि जो ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 25 लाख रुपीज है। सीओसी में जो ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 25 लाख, जिसमें से 5 लाख रुपीज कैश के रूप में है एंड 20 लाख बिल्डिंग के रूप में है। दिया था ना मैंने 5 लाख रुपए कैश और 20 लाख रुपए की बिल्डिंग। तो आपने मुझे यही बताया कि कैपिटल का मतलब है, 25 लाख का मतलब कि बिजनेस में ओनर का जो क्लेम है, ओनर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 25 लाख है, जिसमें से 5 लाख कैश के रूप में एंड 20 लाख बिल्डिंग के रूप में। अगर आपने कैपिटल का ये मतलब मुझे समझाया तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपने मुझे सही समझाया कि गलत समझाया। मैं आपसे पूछता हूं कि सही या गलत, अब वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इसका आंसर लिखो कमेंट में कि कैपिटल का मतलब जो मैंने आपको बताया, कैपिटल करेक्ट कैपिटल रॉन्ग, मतलब कि मैं समझ जाऊंगा कि किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। तो आप अपना आंसर को लिखिए फिर मैं आगे बताता हूं, है ना। आपने मुझे बताया कि सर कैपिटल का मतलब कि बिजनेस में ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि क्लेम 25 लाख का है, जिसमें से 5 लाख रुपीज कैश के रूप में है एंड 20 लाख बिल्डिंग के रूप में, ये मतलब आपने समझाया, करेक्ट या रॉन्ग? नाउ ध्यान सुनेंगे मेरे बच्चे, ये आपने जो मीनिंग मुझे बताया ना, ये आपने गलत मीनिंग बताया, कैपिटल का ये मतलब नहीं होता है। अरे पता है क्यों बोल रहा हूं मैं, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। आपने जो कहा ना आंसर, आपने दो पार्ट में दिया, एक कहा कि देखो जी इस बिजनेस में ओनर का क्लेम जो है ना वो 25 लाख रुपीज का है, यानी कि ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख, ये आपने बिल्कुल सही बोला था। ये पार्ट की बिजनेस में ओनर ने 25 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बिल्कुल सही बोला मेरे बच्चे। लेकिन जो आगे की बात आपने कह दी ना कि इसमें से 5 लाख कैश के रूप में है, 20 लाख बिल्डिंग के रूप में, ये आपने गलत बोला, ये गलत बोला। ये कैश, ये बिल्डिंग, ये मशीन मेरे बच्चे अब मेरा नहीं है, ना मेरा है ना इनका है, ये तो बिजनेस का है, ये सीओसी का है। सीओसी के पास एसेट्स जो है वो इतने रूप में है, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। सिर्फ इतना कहना कि सीओसी में जितने भी एसेट्स है, टोटल एसेट्स यानी कि 35 में आपने कितना दिया है 25 और 35 में आपने कितना दिया 10, बस इतना होता है। हमारा हमने जो दिया वो किस रूप में, अब वो रूप आपका नहीं है, वो सीओसी का हो चुका है, तभी तो आपका अकाउंट्स काम करता है अलग। मेरे बच्चे फर्म का अलग रिकॉर्डिंग होता है, मेरा अलग रिकॉर्डिंग होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी अपना सीओसी की हो जाएगी। एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको इसमें, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उस डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मैंने आपको वहां पे यही समझाया है, यही पे वहां पे यही समझाया, मतलब कि समझना होगा कि फर्म जब डिजोल्व हो जाएगी ना, मतलब फर्म बंद हो जाएगी, तो फर्म क्या करती है ना बच्चे, अपने सारे एसेट्स को बेच देती है और सारे एसेट्स को बेचने के बाद पहले लायबिलिटी का पेमेंट करती है। अगर वहां पे ओनर कहना शुरू कर देगा कि मेरा कैश है मेरा बिल्डिंग, तब तो ये लेके चला जाएगा, फिर तो इनका पेमेंट कैसे होगा जी? और कानून जो हमारे देश का वो कहता है कि पहले इनका पेमेंट करना होगा। आगे की बात है, मैं समझाऊंगा, अभी तो इतना समझ लो कि जरा बताओ कि आज के बाद कोई पूछता है कि कैपिटल का क्या मतलब होता है तो हम क्या बोलेंगे? दिमाग शांत। कैपिटल का मतलब होता है कि टाटा कंपनी में ओनर का कंट्रीब्यूशन कितना है, बस हो गया। इसके आगे मत सोचना कि किस रूप में, ना ना ना, वो रूप सारे टाटा कंपनी के। हम तो कहेंगे भैया टाटा कंपनी में ओनर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन क्लेम होगा वो हम क्या बोलेंगे? आपका कैपिटल बोलेंगे। रिलायंस कंपनी में जो ओनर का क्लेम होगा हम उसको कैपिटल बोलेंगे। सीओसी में जो ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा हम उसको कैपिटल बोलेंगे। और जो बाहर वालों से हमने लिया उसको क्या बोलेंगे? लायबिलिटी बोलेंगे। बस इतनी बात याद रखना।
डबल एंट्री सिस्टम है, जब भी कुछ हमारे पास आता जाता है तो हम उसका रीजन भी रिकॉर्ड करते हैं, उसका नाम रिकॉर्ड करते हैं कि कहां से हमारे पास आया। इतनी सी बात, एक मिनट, अरे जरा बताओ, सुनो ना, आपसे बात कर रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश तो करो, सारी बातें एक ही दिन में थोड़े समझ जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश करते हैं। पहली बात, वो एसेट्स का मतलब क्या था? एसेट्स का मतलब सर कोई भी चीज जहां पे खड़ा हूं, कोई भी चीज आज के बाद अगर हमें बेनिफिट देती है, उसका जो भी वैल्यू हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा हम उसको एसेट्स बोलते हैं। और जिस वैल्यू को आज तक हम यूज कर चुके हैं, जिसका हम बेनिफिट ले चुके हैं, वो हमारा एक्सपेंस होगा, चाहे पेमेंट हुआ चाहे पेमेंट नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ता है, पेमेंट हो गया तो भी लायबिलिटी आपका एक्सपेंस है, नहीं पेमेंट हुआ तो भी, क्योंकि बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है ना कि पैसा पे करना। यही तो बताया मेरे बच्चे, हम लोग क्या कर रहे हैं, 11th क्लास में जितनी सारी बातें 12th क्लास में भी यूज होगा, उन सभी चीजों को मैं यहाँ पे निचोड़ के रूप में आपको समझा रहा हूं। तो चार वर्ड पे तो हमारा मास्टरी हो गया। अब ये रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, देखो बहुत सिंपल आपका, मैं रेवेन्यू मैं पहले अपनी बात कर लेता हूं, मैं अपने लिए मैं रेवेन्यू का मतलब बताता हूं। देखो मैं क्या करता हूं, मैं सर्विसेज देता हूं बच्चे, मैं सर्विसेज क्या करता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। अगर मैंने अपने सर्विसेज दे दी, अगर मैंने बच्चे को पढ़ा दिया तो मेरा रेवेन्यू हो चुका है। बच्चे को पढ़ाना यानी कि मैंने आपका सर्विसेज रेंडर कर दी, या फिर जो गुड्स बेचते हैं अगर उन्होंने सेल कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू हमारा हो चुका है। मेरे बच्चे यहां बोला था चाहे पैसा पे करो चाहे पैसा ना पे करो, यहां बोलूंगा चाहे पैसा मैंने रिसीव किया चाहे पैसा रिसीव नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने सर्विसेज रेंडर कर दिया है ना, अगर मैंने सर्विसेज रेंडर कर दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, तो मेरे बच्चे मेरा इनकम रिकॉर्ड हो जाएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। सुनो ना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, लिखे थोड़ा सा रेवेन्यू के बारे में। कहते हैं कि इफ सर्विसेज, अगर मैं सर्विस सेक्टर में हूं, इफ सर्विसेज हैव बिन रेंडर्ड, अगर मैंने सर्विसेज को रेंडर कर दिया है, ऑब्लिक या फिर इफ गुड्स हैव बिन सोल्ड, अगर मैं काम बिजनेस गुड्स में कर रहा हूं, है ना, अगर मैं बुक बेचता हूं मेरे बच्चे, तो बुक बेच दिया तो मेरा रेवेन्यू हो चुका है। अगर मैं क्लासेज आपका देता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो मैंने पढ़ा दिया यानी कि मेरा रेवेन्यू हो चुका है। इफ सर्विसेज हैव बिन रेंडर्ड या फिर इफ गुड्स हैव बिन सोल्ड, इट मीन्स रेवेन्यू हैज बिन अर्न्ड, इसका मतलब कि रेवेन्यू मैंने क्या क्या अर्न कर लिया, फुल स्टॉप लिखना आगे। इट डज नॉट मैटर कि पेमेंट हैज बिन रिसीव्ड और नॉट। मेरे बच्चे ध्यान से लिखना और मैं दोबारा पढ़ देता हूं आपके लिए। इफ सर्विसेज हैव बिन रेंडर्ड या फिर गुड्स हैव बिन सोल्ड, यहां से ही फटा देता हूं, दोनों में आपका कॉमन हो जाएगा। इफ सर्विसेज हैव बिन रेंडर्ड ऑब्लिक गुड्स हैव बिन सोल्ड, इट मीन्स रेवेन्यू हैज बिन अर्न्ड, इट डज नॉट मैटर पेमेंट हैज बिन रिसीव्ड और नॉट, है ना। जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो हम पेमेंट की पेड की बात करते हैं, जब हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो हम क्या रिसीव की बात करेंगे। आओ ना इसको थोड़ा सा और भी डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये लीजिए मैं इसको हटाता हूं और ये तो रखूंगा, सीओसी भी रखूंगा मेरे बच्चे, क्योंकि ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसके बिना आपकी जिंदगी कहां है, और सीओसी का भी जिंदगी आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको भी नहीं हटाऊंगा, हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इनके अकाउंटेंट है, और सीओसी के लिए मैं देख रहा हूं कि हम रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ये लीजिए ये आपका टाइम पीरियड है, और मैं ले लेता हूं इसको जुलाई का, मान लो महीना है जुलाई का महीना लेते हैं आपका, जुलाई का महीना, ठीक है ना, ध्यान सुना, जुलाई का महीना आपका है। पता है क्या हुआ, सीओसी क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है। चलो ना अब थोड़ा सा और भी हम सिंपल लेके चलते हैं, सीओसी को हटा दो, आप अपने सिर्फ संतोष, ऐसे संतोष सर ही सीओसी अभी मान लो अपना, तो अभी थोड़ा सा और नैरो कॉन्सेप्ट लेके मैं समझा रहा हूं कि संतोष सर के आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैंने क्या मेरे बच्चे, और चलो मैं पूरे एक साल की अकाउंटिंग ले लेता हूं, पूरे एक साल की अकाउंटिंग, ये अच्छा लगेगा हमें, 2022 पूरे साल की अकाउंटिंग ले लीजिए मेरे बच्चे। मैंने क्या किया 2022 में आपको, मतलब कि एक बच्चे को क्या किया, मैंने पूरा का पूरा यहां पर पढ़ा दिया, कोर्स खत्म करा दिया,
मैंने क्या किया 2022 में, मैंने क्या किया, आपको पढ़ा दिया और मैंने कोर्स खत्म करा दिया। जब मैंने कोर्स खत्म करा दिया तो मैंने आपको बोला कि देखो जी मैंने कोर्स खत्म करा दिया, मेरा फीस पे करो, मुझे फीस दो। तो जरा बताओ कि आपने मुझे क्या दिया। अरे मेरा सवाल सुनो दोबारा, मैंने क्या किया 2022 में, आप मेरे पास आए, मैं पूरे एक साल के काउंटिंग कर रहा हूं, आप मेरे पास आए और मैंने क्या किया, आपका आपको पढ़ा के मैंने कोर्स खत्म करा दिया। जब कोर्स खत्म हो गया तो मैंने बोला कि देखो जी कोर्स खत्म हो गया, मुझे फीस पे करो। बताओ आपने मुझे क्या पे किया। अरे आपने मुझे क्या पे किया सर, फीस पे किया, बदमाश। अगर आप फीस कहोगे तो दोबारा पूछूंगा कि फीस देखा कभी कैसा होता है, लाल पीला हरा काला भूरा कैसा होता है। अरे आपने फीस नहीं पे किया मेरे बच्चे, आपने मुझे कैश पे किया। अकाउंटिंग को अकाउंटिंग के रूप में समझो तब मजा आएगा। अगर मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने कहा कि पढ़ा दिया ये मुझे फीस पे करो, तो आपने क्या पे किया, मुझे कैश पे किया। यानी कि संतोष सर के पास यहाँ पे क्या आएगा, कैश आएगा। कितना, मान लो मैंने क्या किया 50,000 कैश आपसे रिसीव किया, कैश मेरे पास 50,000 रुपया आ गया। लेकिन मेरे बच्चे जब भी मेरे पास 50,000 कैश आएगा ना तो अकाउंट्स पूछेगा कि अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करो तो बताओ कि ये जो 50,000 आपके पास कैश आया है ये क्यों आया है, कैसे आया है। तो हमने कहा कि देखो जी इसके बदले में ना मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है, मतलब मैंने बच्चों को सर्विसेज रेंडर कर दिया है। तो अकाउंट्स कहता है कि अगर सर्विसेज आप रेंडर कर चुके हैं, इफ सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, अगर आप सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं, इसका मतलब कि ये जो पैसा आया ना हम इसको क्या बोलेंगे, हमारा इनकम है, इनकम हैज बीन अर्नड। इफ सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड तो क्या बोलते हैं, इट मींस रेवेन्यू हैज बीन अर्नड। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, इसके साथ साथ डबल एंट्री सिस्टम में 50,000 से मैं क्या करूंगा, अपने रेवेन्यू को बढ़ाऊंगा। रेवेन्यू को बढ़ाऊंगा कितना, 50,000। अब बहुत सारे रेवेन्यू होते हैं, मैं फीस अर्न करता हूं, कोई कमीशन अर्न करता है, कोई आपका एडवर्टाइजमेंट का फीस अर्न करता है, कोई ब्रोकरेज अर्न करता है, जो जिस सेगमेंट में वो अपना रेवेन्यू अर्न करता है उसका नाम होता है। तो मैं इस रेवेन्यू का क्या नाम दूंगा जी, फीस नाम दूंगा कि मैंने फीस कमाया। मेरे पास आया क्या, कैश आया। क्यों कैश आया, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं ना, सर्विस रेंडर कर दिया, तो मैं कहूंगा कि मेरा रेवेन्यू हो चुका है, वही काम कर रहे हैं, फीस मैं दिखाऊंगा। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर में। तो जो आप सोचते थे ना कि यार आप जो बोलते हो ना जनरली कि मैं सर को फीस पे करूंगा, एक्चुअली वो गलत वर्ड है। अकाउंटेंसी क्या करता है जी, कैश पे करता है। कैश क्यों पे किया, क्योंकि अगर एक्सपेंस तो एक्सपेंस, रेवेन्यू तो रेवेन्यू, जो भी आपका होगा उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे निकल के, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। थोड़ा सा और ट्विस्ट करूं क्या, थोड़ा सा ट्विस्ट, ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट आपका, थोड़ा सा सुनिए मेरी बात। मेरे बच्चे मैंने क्या किया 2022 में, आप मेरे पास आए और आपने कहा कि सर हमें पढ़ा दो, हमें बड़ा बच्चा बना दो, हमें सीएससी में सीएस बना दो। मेरे बच्चे मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे पढ़ा दिया, मैंने पढ़ा दिया, कोर्स यहाँ पे खत्म हो गया। जब कोर्स खत्म हुआ तो मैंने आपको बोला कि कोर्स खत्म हुआ मुझे फीस पे करो। अरे मैंने पढ़ा दिया, कोर्स खत्म हो गया मुझे फीस पे करो। आपने कहा कि सर देखो आपने मुझे पढ़ा दिया ठीक है, लेकिन अभी पैसे मेरे पास नहीं है, अभी पापा मम्मी की सैलरी नहीं मिली है, कुछ दिनों के बाद आऊंगा और आपका पेमेंट कर दूंगा। कसम से आपने यही बोला कि सर आपने पढ़ा दिया, मैंने पढ़ लिया, हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन सर अभी पैसे मेरे पास नहीं है, हम 6, 8, 10, 15 दिन के बाद आएंगे और आपका पेमेंट कर देंगे। सवाल ध्यान सुनना मेरे बच्चे, सवाल ध्यान से, मैंने आपको यहाँ पे इस साल में पढ़ा दिया और साल के एंड में अकाउंटिंग हो रहा, मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन अभी तक आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आपने कहा कि हम बाद में देंगे। क्या यहां पे मैं, यानी कि संतोष सर, क्या यहां पे अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे क्या, क्या मेरा रेवेन्यू हो गया क्या? तो उसके लिए आपको फिर से डेफिनेशन में आना पड़ेगा। अगर आपके संतोष सर ने सर्विसेज को रेंडर कर दिया है, इफ सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, अगर मैंने सर्विसेज को रेंडर कर दिया मेरे बच्चे, इसका मतलब कि रेवेन्यू हैज बीन अर्न्ड, रेवेन्यू मेरा हो चुका है। मैं क्या करूंगा, अकाउंटेंसी में कहता है कि आप यहां पे मान लो फीस आपका 50,000 है, तो 50,000 फीस, यानी कि आप अपना रेवेन्यू को यहां पे बढ़ा दो, रेवेन्यू आपका हो चुका है, रेवेन्यू हो चुका, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, रेवेन्यू को बढ़ा दिया। अब जरा मुझे ये बताओ कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया ठीक है, मेरा रेवेन्यू हो गया, क्या इसके बदले में मेरे पास कैश आ गया क्या, क्या इस 50,000 के बदले में संतोष सर के पास कैश आ गया क्या? अभी नहीं आया मेरे बच्चे। आपने क्या बोला कि सर अभी नहीं, मैं कुछ दिनों के बाद आपको पे कर दूंगा। मेरे बच्चे ध्यान सुनना,
मेरा रेवेन्यू हो चुका है, मैंने आपको सर्विसेज दे दिया, सर्विस देने के बाद अगर आपने मुझे पैसा पे नहीं किया है तो यहां पे मेरे पास यानी कि संतोष सर के पास यानी कि फर्म के पास पैसा रिसीव करने का एक राइट क्रिएट होगा, मेरे पास एक अधिकार आएगा कि मुझे आपसे पैसा लेना है क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पता मेरे बच्चे अकाउंट्स क्या बोलता है, अकाउंट्स कहता है कि अगर सर के पास संतोष सर के पास कोई राइट आएगा ना मेरे बच्चे, राइट अधिकार, तो उस अधिकार को भी हम क्या करते हैं एसेट्स बोलते हैं। राइट भी जो होगा वो हमारा क्या होगा जी, एसेट्स होगा। और पता मैं क्या करूंगा, यहां पे बोलूंगा कि ठीक है जी मेरा इनकम हो गया और मैं यहां पे 50,000 से 50,000 से मैं यहां पे क्या करूंगा एसेट को बढ़ा दूंगा, एसेट को बढ़ा दूंगा। बताओ जरा किससे मुझे पैसा लेना था, तो मान लो उस बच्चे का यानी कि मान लो आपका नाम एक्स है, मान लो आपका नाम एक्स है, तो मैं क्या करूंगा जी एक्स के नाम को यहां पर रिकॉर्ड कर दूंगा कि भैया मुझे एक्स से 50,000 रुपए लेने हैं। रेवेन्यू तो हो गया, अगर सर्विसेज मैं रेंडर कर चुका हूं तो रेवेन्यू मेरा हो चुका है, पैसा आ गया तो भी ठीक, नहीं पैसा आया तो भी क्या जी हम आपके नाम को यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे कि मुझे आपसे पैसा लेना है, ठीक है ना, मैं नाम को रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन सोचो ना, थोड़ा सोचो कि क्या आपके संतोष सर के पास एक ही बच्चा पढ़ता है। मेरे बच्चे अगर मैं अपने सीए सीएमए सीएस बीकॉम इन सबके बच्चों को मिला दूं तो हम लोग पता नहीं हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों को। और मान लो हजारों बच्चों से मुझे अगर कुछ कुछ अमाउंट लेना अगर बकाया है तो मैं कितने बच्चों के नाम को लिखूंगा, एक्स वाई जेड राम सीता गीता मोहन पता नहीं क्या क्या उठू उनको पता नहीं कितने सारे नाम। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है, उस कलाकारी में आपको हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना है। तो अकाउंट्स कहता है कि काम करो जितने बच्चों से पैसा रिसीव करना है ना उसका नाम मत लिखो, नाम लिखने के बजाय एक काम करो यहां लिख दो क्या जी एक्रूड, एक्रूड, एक्रूड क्या फीस ना, तो एक्रूड फीस आपका, ये एक्रूड फीस ना उन बच्चों को रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चे जिससे मुझे पैसा अभी लेना बाकी है, तो एक्रूड फीस उसको लिख देंगे। सुनो मेरी बात ना, अगर आज के बाद कोई कहे कि बताओ रेवेन्यू क्या होता है, सिंपली बोलना है भैया सर्विसेज अगर हम रेंडर कर चुके हैं, अगर संतोष सर अपने बच्चे को पढ़ा चुके हैं, एक डॉक्टर अगर अपने पेशेंट को देख चुका है तो यहां पे उसका रेवेन्यू हो चुका है, पैसा आ गया तो उसके बदले में कैश बढ़ा दो, और पैसा भी नहीं आया तो उसके बच्चे का नाम लिख दो। अब कितने बच्चों के नाम को लिखूंगा, तो सर ने क्या बोला उस एसेट से नाम क्या लिख दिया एक्रूड फीस आपका, एक्रूड फीस। और पता है क्या होगा, मैं एक बात बताऊं, ये देखो ना, यहां देखो आपका ये अगले साल 2023 में, अगले साल वो बच्चा मुझे पैसा पे कर देगा, ऑब्वियस बात है पैसा पे करेगा, अगर वो पैसा पे करेगा तो मैं क्या करूंगा उस बच्चे के नाम को हटा दूंगा। यही तो नाम था ना बच्चे, ये हमने क्या किया था उस एक्स के जगह पे हमने ये लिखा था। तो जिस दिन वो बच्चा मुझे पैसा पे कर देगा मैं क्या करूंगा जी एक्रूड फीस यानी कि उस बच्चे के नाम को मैं क्या करूंगा हटा दूंगा, ये एसेट मेरा खत्म हो जाएगा और दूसरा एसेट कौन सा कैश मेरा बढ़ जाएगा। ये सिंपल सा गेम है, एक एसेट पहले था एक्रूड फीस, पैसा आ गया तो हमने क्या ये कर दिया। और ये आपने 11वीं 12वीं 11वीं क्लास में कितना ही काम किए थे, याद करो गुड्स की बात करता हूं, हमने गुड्स सेल किया कैश पे, गुड्स सेल किया कैश पे तो कैश बढ़ गया और अपने सेल्स को बढ़ा दिया था, सेल्स यानी कि रेवेन्यू को बढ़ा दिया था। अगर गुड सेल किया क्रेडिट पे तो भी मेरे बच्चे सेल्स को अपने बढ़ाया था, और क्योंकि पैसा भी नहीं आया तो हमने क्या किया था डेटर्स को बढ़ाया था। यही तो किया था। गुड्स के केस में हम डेटर्स कहते हैं जिनको बेचते हैं क्रेडिट पे, और सर्विसेज के केस में क्या बोलते हैं एक्रूड फीस, बहुत सारे नाम होते हैं, एक्रूड हम बोल लेते हैं उसको आपका, है ना। तो ये आपका निकल के आता है गुड्स के केस में डेटर्स, सर्विसेज के केस में हम क्या करते हैं एक्रूड, वो जो भी रेवेन्यू होगा उसका नाम एक्रूड फीस, एक्रूड कमीशन जो भी आपका निकल के आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमने सेल कर दिया ठीक है, अब जब वो डेटर्स या जो आपका एक्रूड फीस वाला है यानी कि जो बच्चा मुझे पैसा पे कर देगा तो कैश बढ़ा दूंगा डेटर्स कम कर दूंगा, और सर नहीं पे किया तो अरे बदमाश पड़ा है कि नहीं पे किया तो उसको बैलेंस दिखा देंगे, मतलब कि जिससे पैसा लेना है हम उसके नाम को कम करके और बैलेंस यानी कि लॉस हो गया हम बैलेंस दिखा देते हैं। यही तो काम करते हैं, अकाउंटिंग ऐसे ही तो चलता है। तो आज के बाद मेरे बच्चे कोई कहता है कि जरा बताओ जी कि आपका सॉरी कोई बच्चा बोलता है कि जरा बताओ कि आपका वो क्या बोलते हैं एसेट क्या होता है, कोई भी चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा हमारा एसेट है, कोई भी चीज टिक जाना यहाँ पे, वो जितना चिल्लाएगा जितने नाम लेगा सब हमारे एसेट्स बोलना अगर वो फ्यूचर में बेनिफिट देगा तो। और जिसका बेनिफिट हम ले चुके उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपेंस कहते हैं, एक्सपेंस हमारा हो गया।
जिसका बेनिफिट लेना है फ्यूचर में, एसेट जिसका ले चुके एक्सपेंस, चाहे पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो। कैपिटल क्या है? ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें? टोटल एसेट्स में, ओनर का क्लेम। लायबिलिटी क्या है? या तो ऑब्लिगेशन कह दो या आउटसाइडर्स का क्लेम कह दो आप, इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू क्या होता है? गुड सेल कर दिया चाहे सर्विसेज रेंडर कर दिया, हमारा इनकम हो चुका है, पैसा आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। आ गया तो कैश बढ़ा देंगे, नहीं तो उस बच्चे का नाम लिख देंगे, जब वो बच्चा पैसा पे कर देगा तो उसके नाम को हटा के कैश को बढ़ा देंगे, और डूब गया तो बैलेंस दिखा देंगे। यही तो करते हैं मेरे बच्चे। बहुत सारी बातें अभी होनी है, बहुत सारी बातें होनी है। आप प्लीज यहां पे लिख लीजिए। एक और भी वर्ड मुझे आपको समझाना है। ये पता नहीं बदमाश क्यों मिट जाता है मुझसे पीछे से, ये मिट गया, कोई बात नहीं। आप समझ गए ना, पांचों का आपने लिख लिया होगा तो ये काम हो गया। एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूं, और ये हमारा आज क्लास का तीसरा सवाल है। आप जो आंसर कमेंट में लिखेंगे, थर्ड का आंसर लिखेंगे, और अगर ये थर्ड का आंसर आपका सही हो गया मेरे बच्चे, आप नाम लिख देना, आप अपना एड्रेस लिख देना, और आप मुझे बोल देना कि हाँ जी सर मैंने सही किया। बिलीव कीजिए, आपके घर पे आऊंगा, और घर पे आके जितने भी आपके घर में रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मम्मी पापा, सबको चॉकलेट खिलाऊंगा, फ्री में खिलाऊंगा, और फिर वापस आऊंगा। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हो, मैं आऊंगा। लेकिन सवाल तो पहले सुन लो, क्या सचमुच में आप इसका जवाब ठीक से दे पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप दे पाओगे। देखता हूं, चेक करता हूं कि क्या होता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं बात करता हूं यहां पे मेरे बच्चे, ये रहा आपका करंट। मैं चलो फिर से आपके संतोष सर की ही बात कर लेता हूं, संतोष सर की बात कर लेता हूं, ठीक है ना। होता क्या है, होता क्या है कि मेरे बच्चे, मेरे पास ना यहां पे एक बच्चा आता है, यहां पे बच्चा आता है। आप आए मेरे पास, आपने कहा कि सर हमें पढ़ा दो। हमने कहा कि ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि पैसे भैया एडवांस में लेता हूं, पैसे मैं आपसे एडवांस लूंगा। ये नहीं कि कोर्स खत्म होगा तो ये मेरा यहां नहीं चलता, आपको पैसा पूरा पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। मेरे बच्चे पता है क्या हुआ? आप जिस दिन मेरे पास आए ना, मैंने क्या किया उस दिन आपसे 30,000 रिसीव कर लिया। क्या जी? कैश। कैश मतलब एक एसेट होता ना, कैश मैंने रिसीव कर लिया, है ना। मैंने क्या किया, आपके आते हैं 30,000 रुपए कैश रिसीव कर लिए। मेरे बच्चे लक्ष्मी भैया मेरे पास आ गई है। आप आए और मैंने क्या किया, पॉकेट में जितने सारे पैसे थे सब मैंने छीन लिया आपसे, निकाल लिए और रख लिया अपने पास कि ये 30,000 मेरे पास आ गया है, लो मैंने पॉकेट में रख लिया। और मैंने कहा कि ठीक है अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि पेमेंट मैंने क्या किया, एडवांस में आपसे ले लिया, स्टार्टिंग में ले लिया 30,000। मुझे ये बताओ कि अगर इस दिन पे अगर मुझे एंट्री पास करना है, अगर मुझे इस दिन पे एंट्री पास करना है, तो याद रखना 30,000 मेरे पास कैश आ चुके हैं, पैसा आ चुका है, पैसा आ चुका है। आप सिर्फ इतना बताओ कि इस दिन पे ये रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा, सोच लो आप। मैं पहले बता चुका हूं, मनी मेरे पास आ चुका है, पैसे खूब सारे पॉकेट में आ चुके हैं मेरे बच्चे। अब मैं आपसे, हाँ मैंने पढ़ाया अभी नहीं, मैं कहूंगा पढ़ा दूंगा ना, दो चार महीने में कोर्स खत्म करा दूंगा, क्या दिक्कत है। मैंने पैसा रिसीव किया, मैं बोलता हूं कि बताओ कि इस दिन पे, जिस दिन मैंने पैसा रिसीव किया उस दिन पे ये रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरा रेवेन्यू हुआ कि नहीं हुआ। आप वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाइए और सुनिए मैं क्या बताता हूं, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। मेरे बच्चे ये 30,000 जो कैश मेरे पास आ गया ना, ये मेरा यानी कि संतोष सर का इस डेट पे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं होगा। पता नहीं आप, मुझे लगता है कि आप सबके आंसर सही होंगे, मुझे विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों रिकॉर्ड नहीं होगा? क्योंकि रेवेन्यू का मतलब होता है अगर सर्विसेज रेंडर हो चुका है, इफ सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, अगर मैं पढ़ा चुका हूं मेरे बच्चे तभी इनकम होगा। मैंने कहां पढ़ाया अभी तक आपको, मैं तो पैसा पहले आपसे छीन लिया, मेरे पास पैसे आ चुके हैं। तो आज के दिन पे जो पैसा आया ना, आई विल नॉट रिकॉर्ड दिस 30,000 एज माई रेवेन्यू, मैं इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा, अकाउंट्स अलाउ नहीं करता। फिर ये है क्या? अगर ये रेवेन्यू नहीं तो फिर क्या है? ध्यान से सुनना, आप खुद जवाब दे देंगे। ये जो 30,000 मेरे पास आया है ना, जो कैश मेरे पास 30,000 आया है मेरे बच्चे, डबल एंट्री सिस्टम बताना कि ये क्या है, ये पता है, ये आपके संतोष सर के ऊपर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा, नहीं करेगा। क्यों ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा? क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, सुनो ना ध्यान से, जो 30,000 मेरे पास आया है मुझे उसके बदले में आपको पढ़ाना है। किसी भी तरीके का मेरे बच्चे फर्म के ऊपर में अगर ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो हमारी लायबिलिटी है। मैंने कहा था लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन। तो जो
30,000 आया ना, आज इस 30,000 को डबल एंट्री सिस्टम में मैं इनकम नहीं, मैं अपनी यहाँ पे लाइबिलिटी रिकॉर्ड करता हूँ, और इसका नाम पता है क्या देता हूँ, उस लाइबिलिटी का नाम, उस या तो मैं उस बच्चे का नाम लिख दूं, लेकिन कितने सारे बच्चों, कैसे नाम लिखूंगा, तो मैं कह देता हूँ जी यहाँ पे क्या, एडवांस, मैं कह देता हूँ एडवांस फीस, एडवांस फीस, ये एडवांस फीस मेरी लाइबिलिटी है, मैं इसको फीस नहीं कह सकता, फीस का मतलब कि मेरा रेवेन्यू, एडवांस फी का मतलब कि एडवांस में रिसीव किया हुआ फीस आपका, ये मेरी लाइबिलिटी बन गया मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। जब मैं उस बच्चे का यानी कि आपका कोर्स खत्म करा दूंगा, जब मैं आपका कोर्स खत्म करा दूंगा, तो क्या आप मुझे दोबारा पेमेंट करोगे क्या? नहीं सर, दोबारा क्यों पेमेंट करना, पेमेंट तो कर चुके थे, दोबारा थोड़े होगा। तो फिर देखो ना, जब मैं कोर्स खत्म करा दूंगा तो फिर संतोष सर के बुक्स में क्या चेंज आएगा, फिर क्या होगा, ध्यान सुनना मेरे बच्चे, अब मैं दोबारा थोड़े पेमेंट रिसीव करूंगा, पैसे तो आ चुके थे, जिस दिन मैंने आपको पैसा रिसीव किया था बट पढ़ाया नहीं था, मैंने कैश पढ़ाया था और लाइबिलिटी बोला था, क्या जी एडवांस फीस, जब मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, जब कोर्स खत्म हो जाएगा, तो मेरे बच्चे मैं पता यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं अब इस लाइबिलिटी को यानी कि आपके नाम को हटा दूंगा, लाइबिलिटी मेरा खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे 30,000 से क्या करूंगा, वो जो एडवांस फीस यानी कि जो हमारी लाइबिलिटी थी ना, मैं उसको हटा दूंगा, और यहाँ पे अब उस 30,000 को फीस यानी कि मैं अपना रेवेन्यू कहना शुरू कर दूंगा, रेवेन्यू मेरा मतलब अब मेरा वो रेवेन्यू हो गया, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कब रेवेन्यू मान रहे हैं, कब लाइबिलिटी मान रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल, आप खुद दिमाग से बोलना, सर्विसेज रेंडर हो चुका, यस तो हमारा रेवेन्यू हो चुका है, सर्विसेज अभी रेंडर नहीं हुआ तो लाइबिलिटी है, जब आपका सर्विसेज रेंडर हो जाएगा तो लाइबिलिटी यानी कि उस बच्चे के नाम को हटा के मैं अपना रेवेन्यू यानी कि इनकम दिखा दूंगा, है ना, ये तो काम करना है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अब मुझे लगता है कि इन पांच वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है ना मेरे बच्चे, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि याद रखना ये जो आपका 12th क्लास का जो सिलेबस है ना, मैंने देखा हुआ है, मैं तो बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मैंने खासकर देखा है कि जो बच्चे बड़े कोर्सेज में आते हैं, ये पूरे सिलेबस को रट के आते हैं, और रट्टाफिकेशन क्या करता है, कॉन्सेप्ट को खराब कर देता है, आपको वो काम नहीं करना है, चीजों का मीनिंग समझो, उसको अकाउंट्स में अप्लाई करो, और बस 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 बस, और बस यही काम करना है, ठीक है ना बच्चे। तो चलिए, मैंने आज की क्लास को ना मैंने एंड किया, ये हमारा बेसिक क्लास था मेरे बच्चे, बेसिक क्लास जिसमें पांच वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है मैंने आपको समझाया। अगर आपको ये क्लास ठीक लगी होगी तो मैं चाहूंगा कि आप अपने साथ साथ जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके दुश्मन हैं, उन सबके पास ये क्लास पहुंचे, उनको भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इंडिया पढ़ेगा तभी इंडिया बढ़ेगा मेरे बच्चे, है ना, और उसमें हम सबको मिलके अपनी भागीदारी को निभाना पड़ेगा। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चे, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आगे कंटिन्यू करने के लिए, आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, मैं CACMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्ट्रोस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है, और आपको कॉन्ट्रोस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूं। दिस इज कोमल मिश्रा ऑफ क्लास 11। आई एम मिशा, प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन। हेलो, माय नेम इज अंशिका एंड आई एम डूइंग सीए इंटरमीडिएट। आई एम बिहार, स्टूडेंट ऑफ सीसी सिंस क्लास 11 एंड नाउ इन फाउंडेशन। आई हैव परचेस्ड माय सीएमए इंटरमीडिएट फ्रॉम CACMA एजुकेशन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज राहुल, आई एम करंटली परसुइंग द सीएमए फाइनल्स। मैंने YouTube पर पहली बार दूसरे क्लास देखी, उनकी पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। सो थैंकफुल टू संतोष सर, ही इज रियली अ वेरी नाइस टीचर। अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूं, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे। संतोष सर हैज क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड ही गिव्स अ वेरी थॉरा आंसर टू माय कंसर्न्स। थैंक्स टू COC, माय कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।